साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। साथियों एक नए टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूं। पहले एक वीडियो भी मैंने डाला था एजेंट से रिलेटेड कि एजेंट कैसे होते हैं, एजेंट कैसे चिटिंग करते हैं। आज अपन एक बात करेंगे कि नंबर दो वीडियो, पहले वाला वीडियो तो नॉर्मल सा था, सेकेंड वीडियो था, ये थ्री नंबर वीडियो में डाला हूँ, तीन नंबर वीडियो है। इसका टाइटल ये रखेगा धोखेबाज एजेंट। जी हाँ साथियों, धोखेबाज एजेंट क्या होते हैं, किस तरह से उनकी सच्चाई सामने आती है तो पता लगता कि सच्चाई ये नहीं थी, सच्चाई दूसरी थी। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं साथियों कि एक एजेंट मान लीजिए होता है, ठीक है, वो थोड़े से समय में झोंपड़ी से निकल के महल में पहुंच जाता है, यानी कोठी में, अपनी भाषा में बोलते हैं कोठी, 25-30 लाख रुपए लगा के कोठी कर लेता है, ठीक है। और एक उसका साथी ये होता है कि उसके चक्कर में आने के बाद उसकी जो पुश्तैनी जमीन होती है वो भी बिक जाती है। आप इसका रिप्लाई जरूर दीजिएगा मुझे। एक एजेंट ऐसा होता है जो झोंपड़ी से निकल के महल में पहुंच जाता है, दूसरा उसका साथी ये होता है कि उसकी जो पुश्तैनी जमीन होती है वो भी बिक जाती है। कितना डिफरेंस आ गया, थोड़ा सोचिएगा आपने, ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन क्या था। तो चलिए अपन तीसरा नंबर वीडियो पे बात करेंगे। आने वाले एग्जाम पे धीरे धीरे खुलासा पूरा हो जाएगा, एंड तक पहुंच जाएगी पूरी बातें, अभी तो मैं शुरुआत कर रहा हूं। इसका साथियों सीधी सी बात यह कि धोखा दिया गया, झूठ बोला गया, झूठ पर झूठ बोला गया, और सबसे बड़ा होता है धोखा, ठीक है साथियों। कोई इतना कोई पढ़ा लिखा वैल्यूएबल नहीं होता, दसवीं पास एक अक्सर छाप आदमी होता है कि वो पढ़ लिख के ठीक है, एक अनपढ़ कैटेगरी का आदमी मात्र थोड़े से टाइम में उसने क्या क्या किया मैं बता दूं आपको। 25 लाख रुपए का मकान बनवा लेता है घर में, ठीक है साथियों, फर्स्ट। सेकंड बात, अपनी शादी कर लेता है, इसके बीच में भी एक जोड़ और है, वो मैं धीरे धीरे आगे वाले टाइम पे सब बता दूंगा। अपनी शादी कर लेता है, पैसा लगता है ना शादी में, 5-7 लाख रुपए तो नॉर्मल शादी में लग जाते हैं, ठीक है। भाइयों को सेटल कर देता है, उनके लिए बिजनेस सेटल कर देता है, ठीक है। 10 लाख की एक झोंपड़ी से निकला हुआ एजेंट 10 लाख की कार मेंटेन करने लग जाता है, ठीक है। 30 लाख रुपए की खेत जमीन खरीद लेता है अपने गांव के पास में ऑन रोड पे, ठीक है साथियों। 15 लाख रुपए में अपनी माँ का इलाज करवाता है हॉस्पिटल में, ठीक है, ये कमाए हुए पैसों की बात बता रहा हूं मैं। शहर में प्लॉट मकान सहित खरीद लेता है, यानी ये चीजें लगभग अगर देखा जाए तो ये सब कुछ 2-3 साल में ये हो जाता है पूरा का पूरा। इसको अगर गणित में लगाया जाए तो लगभग 1 करोड़ रुपए बैठते हैं। एक दसवीं पढ़ा लिखा बंदा थोड़े टाइम में कुछ भी नहीं करके 1 करोड़ की प्रॉपर्टी कर लेता है या खर्चा कर लेता है, यह पैसा कहां से आता है, क्या यह संभव है? आप लोगों को जरूर कमेंट करना है। बिना कोई बिजनेस किए, बिना कोई लॉटरी निकले किए, यह संभव है? ये एक एजेंट की कहानी बता रहा हूं, ठग एजेंट की, जिसने लोगों को ठगा और कैसे ठगे, किन किन को, वो तो लंबी वीडियो और बहुत सारे वीडियो बनेंगे, धीरे धीरे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है साथियों। ये सब कुछ बहुत ही धोखेबाजी, ठगी, बेईमानी, झूठ पे झूठ बोलने के कारण से ऐसा हुआ, ठीक है। ये एक कहानी ऐसी है साथियों, धीरे धीरे आने वाले टाइम पे आप लोगों के साथ एक एक वीडियो करके मैं बताऊंगा, वीडियो के माध्यम से सबूतों के साथ ये सब चीजें आपके साथ क्लियर करूंगा। वीडियो सब कुछ पड़ा है मेरे पास में, धीरे धीरे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक साथी ठग विदेश भेजने के नाम से कैसे लोगों को ठग के अपनी तिजोरी भर लेता है, ठीक है। और फिर उसके क्या व्यवहार होते हैं, क्या उनका, आने वाले टाइम पे मैं आपको विथ सबूत एविडेंस के साथ आप लोगों के साथ शेयर रखूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए साथियों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ये वीडियो उन लोगों को भी शेयर कर दीजिए यार कि जो एजेंटों के चुंगल में फंस चुके हैं या फंसे नहीं है तो बच जाएं। और आपका 100% फर्ज बनता है कि ये वीडियो एजेंट से रिलेटेड है, 1 मिलियन तक पहुंचना चाहिए अपना वीडियो, 1 मिलियन समझते हो 10 लाख, और 10 लाख तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। अपना चैनल 1,30,000 लोगों का है, अगर 1 लाख आदमी मात्र 10 लोगों को भी फॉरवर्ड करते हैं तो 1 मिलियन हो जाता है। और लास्ट के जो वीडियो है ना वो पूरी इंडिया में पब्लिश करना बहुत जरूरी है, ताकि ये एजेंट अगर इसी शक्ल का, आगे सब कुछ डालूंगा मैं वीडियो, घर का, उनकी फोटो सब कुछ डाल दूंगा, ताकि ऐसा एजेंट अगर आपको मिल जाए तो बचें और जरूरत पड़े तो जूते मारे, समझ गए बात को। तो आने वाले टाइम पे धीरे धीरे वीडियो मैं डाल दूंगा, वीडियो को आप लोगों का फर्ज है कि इन लोगों को शेयर कर दें ताकि वो भी बचें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे वीडियो समय समय पे आते रहेंगे, जिससे आपको इन धोखाधड़ी एजेंट जो करते हैं इनसे आप बच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।